अतिप्रिय आपण पाहिले आहे एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एचएचएम त्याच्यामध्ये टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट केलेला आहे आणि त्याच्यातल्या स्पेशल केसेस आज आपल्याला घ्यायचे आहेत। केस नंबर वन आहे एट मीन पोजिशन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज मैक्सिमम। एट मीन पोजिशन जीरो दैट इज एस इज इक्वल टू जीरो एंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग जैसे हम इज मैक्सिमम। एट मीन पोजिशन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वी नो 1/2 के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k into x की वैल्यू आहे 0 0 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 into k into 0। पोटेंशियल एनर्जी ची वैल्यू इज 0। परत आपल्याला कायनेटिक एनर्जी कॅल्क्युलेट करायचा आहे। कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² - x² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² - x = 0 x = 0 0² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² - 0 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² काइनेटिक एनर्जी वैल्यू एट मीन पोजिशन ला 1/2 k a² आलेली आहे। परत आपल्याला टोटल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायचं आहे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कायनेटिक एनर्जी वैल्यू 1/2 k a² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² एट मीन पोजिशन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k a² टोटल एनर्जी कैपिटल ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 1/2 k a²
extreme position, the displacement is maximum and velocity is minimum. Case number 2, at extreme position, displacement is maximum, that is S is equal to plus or minus A, and velocity is minimum, that is zero. At extreme position la displacement is maximum ahe ani velocity zero ahe mhanje minimum ahe tyavel aplyala potential energy ki value paahayche ahe. Potential energy is equal to 1 by 2 k x square. Potential energy is equal to half into k. x ची value aplyala ahe mhanje x is equal to a k a square. नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करायची आहे. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाफ इनटू के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स इक्वल टू के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज जीरो इज इक्वल टू जीरो. काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आलेली आहे 0. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी वैल्यू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर. At extreme position, total energy is equal to potential energy is equal to half k a square. Total energy E is equal to potential energy Ep is equal to half k a square. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर. एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन ला टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के स्क्वायर. केस नंबर 3, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी आपण पाहिलेला आहे हाफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर. हाफ हाफ गेट कैंसल, के गेट कैंसल, रिमेनिंग वैल्यू इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ए स्क्वायर हा माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड ला घेऊन गेला तर प्लस होईल. एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. a स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर. आता x स्क्वायर ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करते आपल्याला. x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. एट x इज इक्वल टू
आर माइनस ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ टू देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टू। तर ती कसे आले आपण पाहू 55 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इनटू ए स्क्वायर माइनस एस सी व्हॅल्यू आपल्याला घ्यावी लागेल ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के इनटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 चा स्क्वायर आहे स्क्वायर रूट निघून जाईल आणि 2 राहील ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एलसीएम इज 2 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू के इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाफ इनटू मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 के 1 बाय 2 इथे कितले कितले गया के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के स्क्वायर म्हणजे याचे टोटल एनर्जी कॅपिटल ई ई लिहिता आपल्याला ई इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय 2 काइनेटिक एनर्जी ची व्हॅल्यू ई डिवाइडेड बाय 2 आलेली आहे। परत आपल्याला पोटेंशियल एनर्जी व्हॅल्यू पाहिजे आहे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट चा स्क्वायर केला तर स्क्वायर रूट निघून जाईल आणि 2 राहील हाफ इनटू 1 बाय 2 1 बाय 2 k a square is equal to half into e is equal to e divided by 2 e is equal to आपल्याला किती आहे टोटल एनर्जी व्हॅल्यू आहे k a square। आता आपल्याला व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केले आहेत काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू e बाय 2 केस नंबर 4 इफ एस इज इक्वल टू ए बाय 2 त्यावेळेस आपल्याला पोटेंशियल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची आहे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के एक्स ची व्हॅल्यू आहे ए बाय 2 सबस्टिट्यूट करा एक्स च्या ठिकाणी ए बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 2 के इनटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 चा स्क्वायर की 4 इज इक्वल टू 1 बाय 4 इले 1 बाय 4 इनटू 1 बाय 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 के स्क्वायर इज टोटल एनर्जी E is equal to 1 by 2 k a square. E divided by 4.
पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू आलेली आहे के डिवाइड बाय 4। परत कायनेटिक एनर्जी ची वैल्यू, कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स ची वैल्यू आपल्याकडे आहे ए बाय 2, ए बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के इनटू ए स्क्वायर माइनस ए चा स्क्वायर 2 चा स्क्वायर 4, हाफ के इनटू एचसीएल इज 4 इन 4 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इज 4 ए स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट क्वांटिटी इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इनटू के इनटू 3 ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर माइनस 1 ए स्क्वायर इज 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 बाय 4 अगोदर घेतो मी मल्टीप्लाय बाय 1 बाय 2 के स्क्वायर आहे 1 बाय 2 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 4 इनटू 1 बाय 2 के स्क्वायर इज टोटल एनर्जी कैपिटल ई इज इक्वल टू 3 इनटू ई डिवाइडेड बाय 4। तर आपल्याला घेता येईल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आता ई बाय 4 ची व्हॅल्यू आहे ती पोटेंशियल एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट केलेली व्हॅल्यू आहे पोटेंशियल एनर्जी ती व्हॅल्यू आहे 3 इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई बाय 4, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम, तर ग्राफ काढा, फिगर काढायची आपल्याला वे कायनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट मध्ये ओरिजिन को मेन पोजीशन एनर्जी कैपिटल के टोटल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट x
पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज द ग्राफ इन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पर।